डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एलेवेंथ क्लास बिजनेस स्टडी के अंदर अकॉर्डिंग टू सी बी एस ई सिलेबस यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इससे पहले की वीडियो में मैं आपको नियर बाय फोर ऑडियो वीडियोज़ मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आपके साथ होमन एक्टिविटी देन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इस सब को डिस्कस कर लिया था माय डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन सॉरी डिफरेंस अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सो माय डियर स्टूडेंट्स लेटस्ट स्टार्ट लेटस्ट स्टार्ट डिफरेंस एमंग द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनफैक्ट जो हम डिफरेंस करेंगे इन तीनों कंसेप्ट के बीच में मैं रिपीट करता हूँ कि हम जो डिफरेंस करेंगे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो हम डिफरेंस करेंगे वो हम नियर बाई नाइन बेसिस के ऊपर करेंगे मीन टू से देर आर नाइन बेसिस अपॉन विच वी शैल डिफ्रेंशिएट अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सो वी शैल डिस्कस वन बाई वन ऑल द बेसिस ऑल द बेसिस ऑफ डिफरेंसिस वन बाई वन सो द फर्स्ट इज कमेंसमेंट कमेंसमेंट होता है बिजनेस को शुरू करना कमेंसमेंट होता है किसी भी एक्टिविटी uh, को शुरू करना इनफैक्ट अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कैन बी स्टार्टिड आफ्टर कंप्लीटिंग द सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कि हम कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो करने के बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद हम किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं इसी तरह अगर प्रोफेशन को प्रोफेशन कम, को कमेंस करने की बात आती है प्रोफेशन को शुरू करने की बात आती है तो प्रोफेशन कैन बी स्टार्टेड बाय गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्ड अनुसार जैसे कि मान लो किसी ने वकालत करनी है तो एल करने के बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट लेगा उसके बाद वो वकालत का, का काम कर सकता है इसी तरह अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इज स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर जैसे जैसे ही किसी कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है इमीजिएटली उसके बाद एक व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सकता है ठीक है जी, बेसिस ऑफ कमेंसमेंट कमेंसमेंट के बेसिस पे हमने तीनों में कर दिया business में, में में। और employment में. दूसरा point आता है नेचर ऑफ वर्क इनफैक्ट बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है और उनको सेल किया जाता है ठीक है जी मैं रिपीट कर रहा हूं बिजनेस के अंदर गुड्स uh, और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है और उनको सेल किया जाता है प्रोफेशन के अंदर नॉर्मली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एज ए स्पेशलिस्ट मान लीजिए जैसे डॉक्टर है डॉक्टर का एक प्रोफेशन है तो वो क्या काम करता है वो लोगों को पब्लिक को मेडिकल फील्ड की रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है इसी तरह लॉयर क्या करता है एक लॉयर लीगल सजेशंस लीगल एडवाइस किसी व्यक्ति को जब जरूरत है लीगल एडवाइस की तो वो लीगल एडवाइस वहाँ पर देता है एंड इन द एम्प्लॉयमेंट जो भी काम एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है या कह सकते हो असाइन करता है वो काम एम्प्लॉयमेंट के अंदर करना पड़ता है मीन टू तो से वर्क एलोटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो काम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो काम उसको करना शुरू करना पड़ता है वो काम वो शुरू कर देता है थर्ड पॉइंट की बात आती है इन्वेस्टमेंट बिजनेस के इन्वेस्टमेंट टू तो से कैपिटल नीडिड मिन टू से कैपिटल रिक्वायर्ड अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस के अंदर कैपिटल की जरूरत होती है बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं चल सकता जितना जैसा बिजनेस की नेचर होगी मतलब अगर थोड़ा छोटे छोटे लेवल का बिजनेस है तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और अगर ज़्यादा बड़े लेवल का बिजनेस है तो वहां पर कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी इसी तरह अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के अंदर जनरली कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है इन कंपैरिजन टू बिजनेस मतलब बिजनेस के कंपैरिजन में अं� जो कैपिटल है वहां पर प्रोफेशन के अंदर कैपिटल की जरूरत जो है वो कम पड़ेगी थर्ड स्टेप पर दैट इज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल किसी भी तरह की कैपिटल एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी तरह की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती नाउ फोर्थ पॉइंट इज अ रिस्क रिस्क ऑफ लॉस इनफैक्ट अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इन बिजनेस के अंदर एक हाई रिस्क है बिजनेस के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा कई बार ऐसी सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाती हैं एराइज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से बिजनेस मैन को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग कि बिजनेस के अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व है प्रोफेशन के अंदर जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो कम है इन कंपेरिजन टू बिज़नेस मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रोफेशन के अंदर जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू बिजनेस एंड अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क है ही नहीं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ मंथ आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ वन मंथ द एम्प्लॉय विल गेट डेफिनेटली सैलरी और वेजेस एक महीना पूरे होने के साथ ही जो एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है उसको उसकी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी उसको उसकी वेजेस मिलेगी ही मिलेगी तो लॉस होने के चांसेस यहाँ पर ज़ीरो परसेंट हैं फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं क्वालिफिकेशन इनफैक्ट बिजनेस के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह फुल्ली क्वालिफाइड है तभी वो बिजनेस कर सकता है ऐसा नहीं है कोई लेस क्वालिफाइड है या इलिटरेट है वो भी बिजनेस करने की परमिशन वो भी बिजनेस कर सकता है अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के अंदर फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एंट्री तभी होगी जब उसको एक पर्टिकुलर फील्ड की उसको नॉलेज होगी पर्टिकुलर फील्ड की उसके पास क्वालिफिकेशन होगी जैसे कि मैं आपसे फिर बात करता हूँ मान लो कोई एडवोकेट बनना चाहता है तो उसके पास एलएलबी की क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए अगर कोई डॉक्टर बनना चाहिए बनना चाहता है तो उसके पास एम बी की क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए अगर कोई सी बनना चाहता है तो उसके पास सी की क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए इसी तरह बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट हर तरह के एम्प्लॉयमेंट के अंदर हाँ कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत या हम कहीं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन की, की जरूरत नहीं है ये डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस ये डिपेंड करता है जॉब टू जॉब मिन टू से किसी एम्प्लॉय किसी तरह किसी एम्प्लॉयमेंट में किसी नौकरी में किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को रखा भी जा सकता है और किसी क्वालिफिकेशन को नहीं भी रखा जाता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पर मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं भी हो सकता है और जरूरी भी हो सकता है मतलब यहाँ एक ऑप्शन आ जाती है सिक्स पॉइंट की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट राइट इसी तरह प्रोफेशन की बात करते हैं uh, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज उसको अपनी सेवाएं देनी है प्रोफेशनल को और उसके थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करना है उसके थ्रू अपनी इनकम अर्न करनी है एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है जस्ट टू थ्रू जस्ट टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेज मतलब सैलरी और वेजेज के थ्रू उसने अपनी इनकम अर्न करनी है सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर इंटरेस्ट का ट्रांसफर ऑफ़ इंटरेस्ट का मैं आपको मतलब बता देता हूँ ट्रांसफर ऑफ़ इंटरेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए जो एक चीज़ व्यक्ति के पास है मान लो हम अगर बिज़नेस की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के हाथ में उसका अपना बिज़नेस है अगर हम एक एल एल बी अगर हम लॉयर की बात करते हैं तो एक आदमी खुद अपना एज ए एडवोकेट वो एज ए लॉयर काम कर रहा है तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बिजनेस है तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अपने किसी भी नियर डियर को अपने बेटे को या अपने नियर डियर को क्या वो अपना काम पूरा पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है या जैसे कोई वकील है वो अपनी वकालत को अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है या कोई डॉक्टर है वो अपने बेटे को वो अपनी डॉक्टरी की जो बिजनेस है डॉक्टर का जो सिस्टम सेट किया उसने जो गेन किया जो एक एस्टेब्लिशमेंट करी वो सारी ट्रांसफ़र कर सकता है या कोई व्यक्ति है जो वो एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो क्या वो व्यक्ति अपनी नौकरी को अपने किसी नियर डियर को ट्रांसफर कर सकता है इट इज़ कार्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो हम वन बाई वन बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं तो अ बिजनेस मैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट एक बिज़नेसमैन अपने बिजनेस को किसी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है वो दूसरा व्यक्ति उसका बेटा भी हो सकता है उसका नियर डियर भी हो सकता है उसका रिलेटिव भी हो सकता है उसका कोई नॉन भी हो सकता है कोई भी हो सकता है लेकिन अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो एक प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट मान लीजिए कोई वकील है लॉयर है और वो अपने अपनी सारी प्रैक्टिस को अपने सन को अपने नियर डियर को ट्रांसफर नहीं कर सकता राइट तीसरी तीसरे इसी में बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो एक एन अनएम्प्लॉय आल्सो कैन नॉट ट्रांसफर इंटरेस्ट कि एक एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट को भी अपने काम को भी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी जॉब को वो ट्रांसफर किसी और के हाथ में ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एट्थ पॉइंट की बात करते हैं टेस्ट ऑफ एफिशियंसी हम कैसे मानेंगे कि जो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कि एफिशिएंसी का वो क्या है एक स्टैंडर्ड क्या है तो बिजनेस के अंदर जो एफिशिएंसी की जो जो टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी है वो है प्रॉफिट अंड जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अंड करता है उसको उतना ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है इसी तरह प्रोफेशन के अंदर जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जितनी अच्छी होगी उसको उतना ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपने जॉब्स के लिए जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा उसको उतना एफिशियंट माना जाएगा कम ऑन द नाइन्थ पॉइंट दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट सो माई डियर स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी नहीं है प्रोफेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है जब हमने मैंने आपको प्रोफेशन के बारे में बारे में समझाया था मीनिंग बताया था उसकी फीचर्स बताई थी तो एक कोड ऑफ़ कंडक्ट वहाँ पर नेसेसरी था और एक कोड ऑफ़ कंडक्ट पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया जाता है एस्टेब्लिश किया जाता है और हर प्रोफेशन उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर नॉर्मली एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कंट्रैक्ट की शर्तें होती हैं कुछ कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की उन कंडीशंस को फॉलो करना, करना पड़ता है शर्तों को फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखी होती हैं कंडीशंस लिखी होती हैं वो कंडीशंस सभी एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ती हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स दीज